ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला कसाई मंडी में एक युवक की हत्या से फैली सनसनी। समीर कुरैशी पुत्र नईमुद्दीन उम्र 23 वर्ष का शव उसके ही मोहल्ले में मृतक अवस्था में पड़ा मिला। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन नामजद लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और पुलिस मामले की जांच में जुटी। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आपके भतीजे के साथ। मेरा नाम नसीबुद्दीन बाबा कुरैशी है और मैं घर में सो रहा था, बहुत गरीब में एसी की चलाया। कहते भाई तुम्हारा भतीजे का मटर हो गया, मटर हो गया तो हम तुरंत एसी भगे लोवर मोवर पहन के। यहाँ सूचना मिली कि भाई मटर कर दिया तो हमने तुरंत कोतवाली भागे। कोतवाली से पुलिस आई। क्या है आपका, किसने किया, क्या है आरोप? आज से करीबन 20 दिन पहले इनका एक विवाद हुआ था मौसम और तुम्हारे चेतन और कोई पांडिया पांडिया कहते इराड़े पे रहता और गोलू, तो जिसकी सूचना देकर पनवी करवाया था उनको हम लोगों ने और उन लोगों ने धमकी दी तेरा मटर कर देंगे। और जब मौसम भी था इतने जब से छूटा है वो शरीर आया मटर गया जब से रहते आज तक इतनी गुंडागिरी कर दिया, इतनी बदमाशी कर दिया, सुबह ही देखे लोगों के पीछे पड़ा है, कहता मंडी वालों को मार डालेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, आज मार डाला उनने। और हमें भी क्या हुआ, धमकी दी मौसम ने हमें भी धमकी दी, तेरी पूरी नेतागिरी और तेरी पूरी पत्रकारी भरा देंगे और मंडी का कोई मटर करेंगे, तो आज वाले हमारे भतीजे की मटर कर दिया मौसम ने और इनकी पूरी गुलों ने। सुबह ही देखे काम करता है साहब।